डिटेल में दिखाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको इसका मैप, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के फ्लैट हमने इसमें बनाए हैं और आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की मार्केट, जो हमारी बिल्डिंग से बिल्कुल 200 मीटर डिस्टेंस पे है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी मॉन गार्डन की मार्केट है, रामा पार्क की मार्केट है। और दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, आप देख सकते हैं जो सबकी प्राथमिकता है, कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ठीक इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ का जो कमल मॉडल स्कूल है, बड़ा फेमस स्कूल है। और दोस्तों इसी के साथ में हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी आपको मिल रही है। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्राइमरी स्कूल, तो दोस्तों यहाँ सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। और अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी बिल्डिंग पर। बिल्डिंग का भी आप देख सकते हैं ये फ्रंट एलिवेशन, जो एपीसी शीट से किया जा रहा है, जिसमें एसएस का भी वर्क है और टाइल्स वगैरह का भी वर्क अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं आप देखें, ये पार्किंग स्पेस बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें हमने बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है पार्किंग के लिए, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है, पार्किंग स्पेस अच्छा है, लेकिन हम उसमें बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप पहले आएँ और पहले पाएँ और अपने सपनों के घर को साकार बनाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर एक बार दोबारा अग्रवाल होम्स में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं ये जो अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बार दोबारा उपस्थित हुआ। दोस्तों इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया, और जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो डेढ़ महीने का लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में हम सभी ने अपने परिवार में या अपने मिलने वाले या अपने यार दोस्त या अपने रिलेटिव्स या अपने कोई भी यारे प्यारे, हमने जान माल की क्षति का बहुत नुकसान किया है। जिसमें माल की क्षति का तो नुकसान हम लोग सह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना साक्षर किया है कि हम अपने दोबारा से पैरों पर खड़े होंगे और फिर दोबारा से हम कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे बीच में हमारे दोस्तों के या परिवारों के जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो गए हैं, जिन परिवारों ने नुकसान भुगता है, जिन परिवारों को शौक लगा है, शौक हुआ है, तो वो भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी यह है कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपने घर के अंदर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रहने की। और अभी क्योंकि लॉकडाउन अभी संपूर्ण लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और मास्क और दो गज की दूरी का ध्यान रखें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज फिर एक बार आपके लिए अपनी एक नई बिल्डिंग के अंदर आपके सामने आया हूँ, और मैं दिखाना चाहूँगा जो ये मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये दोस्तों आज मेरी लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली वीडियो है, और अभी इस बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है। लॉकडाउन के कारण काम रुक गया था, लेकिन आज से ही हमने दोबारा से काम स्टार्ट किया है। और काम स्टार्ट करने के साथ ये जो मैं बिल्डिंग लेके आया हूँ, 200 गज की मेरी बिल्डिंग है, मोहन गार्डन के अंदर है और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। लेकिन मैं इसकी खूबियाँ आपको बताऊँगा, कम्प्लीटेड नहीं है अभी ये बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रेट वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत सस्ता रेट है इसके अंदर, और लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर हम क्या काम करवा रहे हैं और कब तक ये कम्प्लीटेड हो जाएगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले इस बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं नीचे हमारी स्टिल्ट पार्किंग है, 200 गज की बिल्डिंग है, करीब 150 गज के अंदर जो पूरा स्पेस है हमारे को खुली पार्किंग मिल रही है, जिसके अंदर हम सिर्फ 5 या 6 गाड़ी की पार्किंग का स्पेस हम देंगे इसके अंदर। और 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं हर फ्लैट के साथ, कोई भी 6 लोग 5 लोग जितना भी हमारे पास स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम पार्किंग देंगे। 1,00,000 रुपये हमने पार्किंग का रेट रखा हुआ है। उसके साथ मैं दिखाना चाहूँगा ये हमारी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से हम सीधे आते हैं अपने यूनिट पे। इस बिल्डिंग की एक सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर हमने 4 फ्लैट दिए हैं, एल टाइप कॉर्नर की ये बिल्डिंग है, और चारों फ्लैट फ्रंट साइड पर हैं, क्योंकि दोनों ही रोड जो मेरे हैं, एक 30 फुट का रोड है, दूसरा 25 फीट का रोड है, तो दोनों ही एल टाइप के अंदर बहुत ही अच्छी बिल्डिंग और बहुत ही स्पेसियस रोड आपको मिल रहा है। उसी के साथ आप देख सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
चार जो हमने फ्लैट निकाले हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल सेंटर है हमारी इस बिल्डिंग के फ्लैट्स के अंदर जो कॉरिडोर है, और कॉरिडोर में भी आप देख सकते हैं ये मेरा लिफ्ट का स्पेस है, स्टेयर्स के ठीक साथ में लिफ्ट का स्पेस है। आप देखें ये स्पेस हमने छोड़ा है लिफ्ट के लिए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो हमने इसके अंदर जो चार फ्लैट मैं आपको बता रहा हूँ एक यूनिट पे, आप देखें एक फ्लैट मेरा ये है जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा फ्लैट ये है, तीसरा फ्लैट आप देख सकते हैं यहाँ हमने दिया है, और चौथा फ्लैट मेरा इसके ठीक सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमने ये हमारा जो स्पेस है ये चौथा फ्लैट है। तो दोस्तों चार फ्लैट के साथ ये बिल्डिंग बन रही है और इसमें मैक्सिमम काम हो चुका है, स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है, प्लास्टर हो चुका है, सैनिटरी वर्क हो चुका है, फिनिशिंग वर्क अभी नहीं हुआ है। जैसा कि कल से हमारा जो काम स्टार्ट है पीओपी वर्क हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ चलता हूँ अपने फर्स्ट फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों ये मेरा जो फ्लैट है, अभी मैं स्पेस या काम की कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा ड्राइंग स्पेस, उसके साथ आप देखें मैं आपको पीओपी वर्क के बारे में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी सिर्फ प्लास्टर का काम हुआ है, कल से पीओपी वर्क मेरा स्टार्ट है। और ये जो मेरी बिल्डिंग है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 2 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीटेड करूँगा, क्योंकि लॉकडाउन में जो हमने 1.5 महीना अपना गवाया है या जो 1.5 महीना हमारा ख़राब हुआ है वो उस 1.5 महीने को हमने कवर करना है, और बहुत ही स्पीड से इसके अंदर काम होगा। ये बेडरूम आप देख सकते हैं फर्स्ट बेडरूम है ये, 50 गज का ये फ्लैट है। 50 गज के फ्लैट में यहाँ पर ये विंडो वगैरह हमने दे दी है, फ्रंट पे ये बालकनी है और सामने फ्रंट रोड आ गया। ये मेन जो फ्रंट रोड है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके, आइए देखिए दोस्तों यहाँ हमने ये किचन का स्पेस छोड़ा है और किचन का काम अभी होना है। उसके साथ में ही आप देख सकते हैं ये हमने वॉशरूम दिया है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको इस बिल्डिंग की खास बात मैं आपको बता देता हूँ, 200 गज की ये बिल्डिंग, इसमें चार फ्लैट जो हमने दिए हैं, चारों फ्लैट के अंदर मॉड्यूलर किचन है और हर फ्लैट में 2 वॉशरूम है, हर फ्लैट में एक कॉमन वॉशरूम है और एक बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसका सेकेंड बेडरूम, और सेकेंड बेडरूम के अंदर आप देखें जैसा कि मैंने आपको बताया अटैच्ड वॉशरूम, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये अटैच्ड वॉशरूम मैंने दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं लेके चलूंगा आपको इसके सेकंड फ्लैट के अंदर, और ये भी आप देख सकते हैं जिस एरिया से मैं निकल रहा हूँ ये हमारा कॉरिडोर है जो हमारे को एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, इस कॉरिडोर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस फ्लैट की जो हमने कॉस्ट रखी है वो भी बहुत मिनिमम है। दोस्तों ये वाला जो मेरा फ्लैट है ये 18 लाख रुपये, बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने इस फ्लैट का रखा है 18 लाख रुपये, और वेल फिनिश्ड मैं आपको दूंगा। वेल फिनिश्ड का मतलब है सेमी फिनिश्ड, जिसके अंदर सिर्फ फर्नीचर नहीं होगा बाकी कंप्लीटेड वर्क में आपको मिलेगा, फैन गीजर चिमनी इंटरकॉम सारे काम कंप्लीटेड वर्क में आपको मिलेंगे, और मॉड्यूलर किचन के साथ है, और पीओपी वर्क और लाइटिंग वगैरह सारा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर वाटर कनेक्शन सब हम आपको लगा के देंगे। तो दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले जो फ्लैट दिखाया फर्स्ट वाला उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये मेरा जो फ्लैट है ये एल टाइप कॉर्नर है, और इसके अंदर ये ड्राइंग स्पेस हमने दिया है, ड्राइंग स्पेस भी बहुत ही स्पेसियस है। तो दोस्तों उसी के साथ मैं लेके चलूँगा आपको इसके, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि एक एक्स्ट्रा जो कॉरिडोर जैसे कि मैंने आपको उसमें दिखाया, और बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लैट है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम जो हमारे लिविंग एरिया के बिल्कुल अटैच्ड है, कोई भी घर परिवार या कोई भी मिलने जुलने वाला आता है तो कॉमन वॉशरूम आराम से यूज़ होता है और होना भी चाहिए। कई फ्लैटों में दिक्कत रहती है हमारे पास बेडरूम के साथ अटैच नहीं होता, लेकिन इस बिल्डिंग में वो समस्या नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये किचन भी आप देख सकते हैं रोड साइड से
बाहर की तरफ है बिल्कुल, और हमने इसमें विंडो दिया है और इसमें चिमनी भी लगेगी, लेकिन वो काम जब फिनिशिंग करेंगे दोबारा मेरी वीडियो पोस्ट होगी तब वो आपको दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आपके लिए आ गया हूँ सेकंड बेडरूम के अंदर, सॉरी फर्स्ट बेडरूम है ये इस फ्लैट का। तो फर्स्ट बेडरूम जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और ये भी आप देख सकते हैं इसमें बालकनी अटैच्ड है, एल शेप में है ये बालकनी। मैं अभी बालकनी पे जाता हूँ फिर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए, मैं घूम के एल शेप में आ गया हूँ और पूरी बालकनी इसके अंदर हमारे को मिल रही है। करीब आप मान के चलिए करीब 20 फीट लंबी ये बालकनी है जो हमारे को इस फ्लैट के अंदर मिल रही है। उस तरफ भी है स्पेस और इधर भी स्पेस है 20 फीट लंबी ये बालकनी के साथ। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसका वाशरूम, जो जैसे मैंने आपको बताया अटैच्ड वाशरूम आप देख सकते हैं, बेडरूम के साथ ये अटैच्ड है। हर फ्लैट में दो वाशरूम है, सबसे बड़ी खासियत तो यही है इस बिल्डिंग की, और एल शेप की ये बिल्डिंग है। तो दोस्तों अभी मैं आपको जैसे कि मैं बता रहा था 20 फीट लंबी बालकनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं सिर्फ दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे को एल शेप में बालकनी मिल रही है, करीब 8 फीट लंबी तो ये बालकनी है। और उसके बाद आप आ सकते हैं, मैं पहले वहाँ जाता हूँ जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया 20 फीट, वो 20 फीट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, कम से कम भी मेरे को 12 कदम रख के आना पड़ा है तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो 20 से भी ज़्यादा ही होगी ये बालकनी हमारी। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये हम अपने सेकंड बेडरूम के अंदर आ गए हैं, इसके अंदर फ्लैट के अंदर। ये भी हमारा जो फ्लैट है बहुत ही स्पेसियस है और बेडरूम साइज भी बहुत अच्छा है, बालकनी बेडरूम से भी आप देख सकते हैं। ये जो हमारा जो बेडरूम है ये बालकनी पर भी खुलता है, और इधर से ये आप देख सकते हैं ये वाला जो स्पेस है हमारे ये लिविंग एरिया के अंदर, जहाँ से हम एंटर हुए थे अपने इस फ्लैट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ हम एंटर हुए थे। ये देखिए, तो हम इस स्पेस से अपने एंटर हुए थे, ये हमारा सेकंड फ्लोर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी मैं लेके चलता हूँ दोस्तों इसके थर्ड फ्लोर, जो हमारा तीसरा जो फ्लैट है थर्ड फ्लोर उसके अंदर, एक यूनिट पर जो तीसरा फ्लैट है, सामने लिफ्ट का स्पेस है, लिफ्ट के ठीक सामने ये स्पेस है जहां से हम अंदर एंटर हो रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं एंटर हो गया, और ये वाला फ्लैट भी आप देखें, इसमें ये लिविंग स्पेस आप देखें करीब 15 फीट लंबा है और करीब 10.5 फीट 11 फीट इसका जो डेप्थ है, जो चौड़ाई है वो भी आप देख सकते हैं, जो इसका स्पेस है स्ट्रेंथ है वो भी आप सब देख सकते हैं। ड्राइंग जो हमारा लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया के ठीक सामने ओपन स्पेस में ही हमने किचन दिया, और उसी के साथ आप देख सकते हैं अटैच्ड वॉशरूम, किचन और वॉशरूम बिल्कुल कॉमन स्पेस में। दोस्तों आप देखिए, अब मैं दिखाना चाहूँगा इसके इस फ्लैट की खासियत, क्योंकि हर फ्लैट में अपनी एक खूबी होती है, हर बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, वही चीज़ मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। इस फ्लैट के अंदर क्या है कि दोनों जो बेडरूम है हमारे फ्रंट साइड पे आ रहे हैं रोड के ऊपर, जो फ्रंट रोड है उसी के साथ अटैच्ड हैं ये दोनों बेडरूम बिल्कुल। इसमें भी देख सकते हैं ये जो बेडरूम है, सामने विंडो दी गई है, सामने फ्रंट रोड हो गया, और इसमें भी आप देखिए अटैच्ड वॉशरूम के साथ और सामने विंडो दी है, तो खुला स्पेस है। लेकिन अब मैं इसको लंबा ना करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बालकनी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 11 से 12 फीट लंबी ये बालकनी है हमारे पास, और यहाँ पर भी हमने जो स्पेस दिया है ये आप देखें, वॉशिंग मशीन का स्पेस है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का स्पेस, फ्लैट में पूरा स्पेस है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो इसका चौथा फ्लैट है, एक यूनिट पे जो हमने चार फ्लैट बनाया, अब मैं लेके चलता हूँ इसके लास्ट फ्लैट के अंदर। इसमें भी आप देखें दोस्तों, अब मैं एंटर हो गया हूँ, और ये जो स्पेस मिल रहा है हमारे को लिविंग एरिया, ये भी ये स्क्वायर के अंदर है, करीब 12x12 का स्पेस आपको मिल रहा है, और उसी के साथ आप सामने देख सकते हैं लाइव किचन, और सेम जैसा कि आपने उस फ्लैट के अंदर देखा कॉमन वॉशरूम।
तो ये हमारा जो स्पेस है, इसकी किचन आप देखें बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही बड़ी किचन है दोस्तों। अब मैं लेके चलूंगा इसके फर्स्ट बेडरूम में, वो भी आप देख सकते हैं। ये हमने शाफ्ट छोड़ी है और ये वाला जो स्पेस है बेडरूम का स्पेस मिल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, और बेडरूम में भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी हमारा फ्रंट साइड का फ्लैट, आप देख सकते हैं मैं बालकनी पर खड़ा हूँ। और कॉमन वाशरूम, ये हमारा कॉमन वाशरूम है, आप देखें बेडरूम के साथ अटैच्ड है, सॉरी अटैच्ड वाशरूम है, कॉमन तो मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ। और ये हमारा बालकनी स्पेस, वो भी आप देख सकते हैं, बालकनी भी पूरा स्पेस है। तो दोस्तों अब मैंने जैसे कि आपको बताया, एक फ्लैट मैंने आपको बताया था कि 18 लाख रुपए का है, लेकिन जो हमारा एल शेप वाला जो फ्लैट है उसका भी मैं आपको कॉस्ट और रेट सब बता देता हूँ। वो जो हमारा फ्लैट है वो भी आपको मिलेगा 23 लाख रुपए में, और उसके बाद जो दो फ्लैट हैं वो हमने 22 लाख रुपए उसका रेट रखा है। तो हमारे पास जो फ्लैट है 23 लाख, 22 लाख और 18 लाख, 18 लाख रुपए वाला फ्लैट भी आपने देखा, 22 और 23 वाले भी देखे। बिल्डिंग में स्पेस सेम है, 50 गज के अंदर ये फ्लैट बने हुए हैं, 200 गज की मेरी बिल्डिंग है, स्क्वायर के अंदर फ्लैट है और बहुत ही अच्छा ड्राइंग किया गया है। तो दोस्तों अब मैं इसकी कुछ खूबियाँ और खासियत मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इस बिल्डिंग की खूबी सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 18 लाख रुपए में जो मैं आपको फ्लैट देने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उत्तम नगर में विद लिफ्ट कार पार्किंग अगर आप लेते हैं तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, लेकिन इस रेट के अंदर कहीं फ्रंट साइड का फ्लैट आपको 18 लाख रुपए में मिलेगा, वो भी 50 स्क्वायर यार्ड, जो ऑन पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। और दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेट्रो से अराउंड एक से मैक्सिमम एक ही किलोमीटर आप मान के चलें, 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 150 मीटर की मैं बोलता नहीं। और दोस्तों दूसरी चीज़, जिम और पार्क और भी यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल रही हैं, जैसे कि IGL गैस पाइपलाइन। उसी के साथ मैं आपको बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मार्केट्स बिल्कुल नियर बाय में है, ATM जब मैं रोड से एंटर होता हूँ तो 5-6 ATM मेरे को रास्ते में ही मिल जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, फैसिलिटी आपको सारी मिल रही हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा होम लोन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि होम लोन हमारी हर बिल्डिंग के ऊपर हम आपको बताते हैं मैक्सिमम लोन के साथ, तो इस बिल्डिंग पे भी हमारा 90-95% तक आपको लोन मिलेगा। और नेशनलाइज बैंक, सॉरी जो भी हमारे IFL या इंडिया बुल्स या इंडिया इन्फोलाइन, जो भी हमारी जो बैंकिंग है NBFC हैं, वो सभी यहाँ पर लोन देते हैं और सभी से आपका लोन होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जो आप देखना चाह रहे हैं या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स और अग्रवाल होम्स में, ये जो मेरी वीडियो है आप दोनों चैनल्स पे देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। और जल्दी से जल्द दोस्तों जैसा कि हम हमेशा बोलते आते हैं कि अपने जल्द से जल्द आएँ और अपने सपनों के घर को साकार बनाएँ। और दोस्तों जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।